अवां जी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंथ लंडन वेठे वरण पवन सुते मिलन न सुप्री जे मथे रिंदन रवन साजन मिले तिन खे भलारे बिट धणी जे भलारे बैत सां मुझी आवाज मुसाफिर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन दा थी दुनिया जे कुंड कुड़च ताई जंज माग बुधजे पियो उन्हें मेरे मेहरबानों के सिकबरो सलाम शाल कबूल पवे। 8 नवंबर आचर जो डी प्रोग्राम सोच विचार साण करे आवां जो मेज़बान हबीब लगारी। सिंध जे दुखन दर्दन जा किस्सा एडा तो तवील हैं जो केड़ा बुधी केड़ा बुधने वाली गाल थी थी वे या वरी ये थे तो जे कें शायर लिखो जमाना बड़े गौर से सुन रहा था हम ही सो गए दास्तान कहते कहते ब्याल म्या पंजी जाए ते पंजी अलग हैसियत रखन था पर वड़े में वड़ो अलमियो मान जो गुम थी वन है सजी सिंध में केतरा ही मानू आन जे या तो गुम कया व्या या वरी उड़ताने आवाज ते हिरख जी अगवा थन था या वरी भुंगले धाड़ेलन खेन अगवा कयो है। पान जकड़े नजर डोड़ायूं तो लाड़काने जा खंभिल 6 जणा अना भी नाहन मोटिया जिनमें काशिफ टिगड़ इंसाफ दायो गुलाम मुर्तजा सोलंगी गुलाम उमर मुगेरी फराज शिराज सुमरो शामिल हैं जिन लाइ वारस अज भी सरापा एहतजाज बणियल ककड़ में खंभिल पोहरित दो चांडियो भी अना ताई बाजियाब थी ना सको जैसे कर संस वारस 17 ढीन का सरापा एहतजाज बणियल डहरकी जा 3 मगवी अना धाड़ेल वट बांदी बणियल गोठ कटा मुहाना वासी सिकंदर मियादाद मीरानी इमरान लिगारी जो पतो पैजी न सको है न वरी पुलिस संदन बाजियाबी लाए के कोशिशों क्यों वारस इन डुख में सरापा एहतजाज बणियल खैरपुर के बांदी बणायल बारड़न के तोड़े जो अदालत आज़ाद कराने जो हुक्म दिनो है पर तह हूंदे भी हो आज़ाद अना नाहन थिया फरीदाबाद में जबरी गुमशुदगी खिलाफ काल भी एहतजाज कयो वियो खंभिल इम्तियाज खास के लिए रियाज खास के लिए जफर चांडियो समेत बिन खंभिल मान की आज़ादी लाए 5 ढीह भी भुख हड़ताल रही अगवान इो ही थे तो जेके भी खंभे गुम कल मानू आन उन आज़ाद कयो वे डहरकी मां मिस्त्री गुम थी वो जो अना ना मिलो इमरान नाले नौजवान बड़ी गुजरण बावजूद हथ ना आयो जैसे कर संदन वारस पिण परेशानी में मुबतला हैं हों तो ये हों हर रियासत की जिम्मेवारी होंगी है तो हुआ पंजन शहरन की हिफाज करें पंजे शहरन के समूर सहूलतों फराहम करें पर जिते शहरी खंभजी वन तो उते दाह दिजे तो कंखे दिजे आवाज़ उथारजे तो कंजे अग्या उथारजे ये अड़ा सवाल हैं जिनका जवाब अज भी नथा मिलन ना इंसाफिन जहा नाग एतरा तो वधी व्या जो हर मानू बेवसी के बलावन हथा कखजी तो वे हर मानू लुड़क लुड़क थे तो हर मानू भोगनाओ भोगे तो दुनिया के खेतर में ना इंसाफियों जरूर होंदू पर सबा जड़ी सिंध जहा मानू मुसलसल जबर अताब जो शिकार रहंदा पिया अचन जरूरत इन गाल जी आहे जो इंसाफ जो को घिंड वजे जुल्मन का जान आजी थी पवे वरी को वाव वरे हिया विछोड़े वाला पहर न रहन सुखन जो सिज उभरी पवे। ओए धरती तो वट वन जारो हलवाज़ न में मां
पवन बुआ हो वर हल खप जाना दुआ मोतिन के विराए वे दुआ इनकलाब साथियों को इनकलाब साथियों इनकलाब साथियों को इनकलाब साथियों इनकलाब साथियों को इनकलाब साथियों इनकलाब साथियों को इनकलाब
अहड़ी सामक ही त शहर पे बना है विकास का दिल जो आ अज मोए सुबह मोए जो राज राई पल जो आ जो राज राई पल जो आ मगर मकिया करा मिटिया मगर मकिया करा मिटिया के मेहड़े हाब साथियो तो इनकलाब साथियो तो इनकलाब साथियो तो इनकलाब साथियो तो इनकलाब साथियो ही खूबसूरत आवाज़ हो सरमद सिंधी जो अवी बुधी रहा आयो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जो मेज़बान आया हबीब लगारी प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच विचार हाँ प्रोग्राम में शामिल करूँ था एडिटोरियल अज जो असं एडिटोरियल शामिल कर रहा हूँ वो अस है इबरत अखबार मझा जो उनवान है सिंध के बेटन बाबत गुझू गाल गैर जमहूरी अमल है खबर आहे त वफाकी हुकूमत पारां सिंध जे बेटनि खे पाकिस्तान आइलैंडर जो नालो ॾियण बाद गवर्नर इमरान इस्माइल जी मार्फत गुझ गोह में डिंगी ऐं भंडार बेटनि जे मुहाण सां ॻाल्हियूं कराइण जी रिपोर्ट वज़ीर आज़म खे पेश कई वई आहे। सिंध जे गवर्नर इमरान इस्माइल इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात करे खेसि डिंगी ऐं भंडार बेटनि जे मुहाण सां ॻाल्हियुनि ऐं बेटनि ते तमीराती कम बाबत आगाही दिनी। मीडिया रिपोर्टर में यो पिण बुधायो वञे तो सिंध हुकूमत मुसलसल इनकार बावजूद वफाक के 74 मनसूबन की मंजूरी दिनी है। उन डस में वजीर आजम की सदारत हेठ हाउसिंग कंस्ट्रक्शन ए डेवलपमेंट बाबत कौमी राबता कमेटी जो हफ्तेवार इजलास थी गुजरियो जमे आगाह कयो वियो तो सिंध में 74 रथाउन की मंजूरी मिली चुकी है जिनकी कुल लागत 28 अरब रुपया है। उन्होंने मनसूबन के शुरू थियण से 55 अरब रुपये जो लागापियल मुआशी सरगर्मियों को आगाज़ थी। अफसोस तो एक पास तसूबी अंसर सिंध धरती के विरहण जो गाल कन लसानियत फिरकेवारियत के हथी डियण सरगर्मियों शुरू करण से गड सिंध से जुल्म में डाढ़ करण जो को मौको भी हथा वजायण ना चाहन ते पास वफाकी हुकूमत आवाम पार्लियामेंट के मुकमल तरह से नज़रअंदाज कदे सिंध के बिन वसील भंडार डिघी बेट से भी वालार के मनसूबे से भरपूर तवानाई से कम कर रही है। बावजूद इनके तो वफाकी हुकूमत वह वाजह कर चुकी है तो सिंध में को भी गैरानी कदम न खो वो पर उन हूंदे भी शुरुआती मरहल में सिंध के भंडार डिघी बेटन से नवा शहर अडण जहाँ ऐलान गुझे नमूने आर्डिनेंस जारी कया व्या जै खिलाफ़ जैसे सिंध सरापा एहतजाज बणजी वही है उन वक्त भी न सिर्फ सिंध के मान में बेचैनी पखड़ियल है पर सिंध बेदारी मार्च समेत मुख्तलिफ़ नालन से बेटन के वालार खिलाफ़ एहतजाजी तहरीकों जारी हैं जिनके मुकमिल तरह से नज़रअंदाज कर वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ़ तरीक़न से सिंध के बेटन के वालार लिए पैं सरगर्मियों जारी रखी पी अचे इन डस में समूरा मामला गुझे नमूने हल करण की हिकमत अमली भी इख्तियार कई वही है जैसे ना आईन कानून इजाज़त तो दे न वरी अड़े किस्म के फैसले साजी में आवाम हुक्मरान की हिमायत तो करे बावजूद इनके अड़ी तरमीम तहत मुल्क के समूरन सूबन के सदन वसील से खुद मुख्तियारी हासिल है। बिन सूबन जहाँ सिंध की जमीन मैदनियात कुदरती तोड़े माली वसील से सिंध जो ही हक है तो आखिर एतरो तसुब छो ए 70 के ड़ाके में कराची में जो जमीन पोर्ट कासम के लीज ते दिनी वही हुई अज उते मौजूद बेटन से भी कब्जो थी चुको है उन भी अज ताई हुक्मरान की खामोशी सवालिया बणियल है। भंडार डिघे बेटन के मामले ते वफाकी हुकूमत की वालार कोस्टल अथॉरिटी के क्याम के हवाले से जैसे ही आर्डिनेंस जारी कयो वियो तो उनके फौरन बाद ही सिंध हुकूमत के पंजो वाज़ह सगारो मौकफ़ दियण घुर्जे हा पर खामोशी तदे टोड़ी वही जैसे सिंध के आवाम वटा सख्त रद्द अमल अचण शुरू थो हाँ मीडिया में उ खबरों रिपोर्ट थी रही हैं सिंध मुसलसल इनकार बावजूद रिथाउन की मंजूरी दिनी है जैसा उ सवाल उठी रहा है तो सिंध के बेटन के कब्जे वाले उन्हीं अमल में सूबाई हुकूमत वफाक जो साथ दे रही है जैसे ये न हो तो बेटन के कब्जे खिलाफ अग खामोशी छो इख्तियार कई वही हाँ छो रिथाउन जो मंजूरी दिन पे वन
असीं समझूं था त सिंध जा ॿेट सिंध जे माण्हुनि जी मिल्कियत आहिनि, उन ते कब्ज़ो कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो। असीं सिंध सरकार तोड़े वफ़ाक़ी हुकूमत जे इतिहाद में शामिल सिंध सां तालुक़ु रखंदड़ धुरियुनि खे उहा ई सलाह ॾींदासीं त हूअ सिंध जे वसीलनि, ख़ासि करे ॿेटनि जे मामले ते बिना कंहिं मतभेद जे वफ़ाक़ आॾो पंहिंजो वाज़े ऐं चिटो मौक़िफ़ रखनि त उहे ॿेट सिंध जी निज मिल्कियत आहिनि। उन हवाले सां न रुॻो जारी थियल आर्डिनंस ग़ैर आइनी हैसियत रखे थो, बल्कि वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ॿेटनि जे मामले ते गवर्नर मार्फत ॻुझे नमूने ॻाल्हियुनि वारो अमल बि ग़ैर जमहूरी ऐं अवाम जी ऐं सिंध जे अवाम लाइ नाक़ाबिले क़बूल आहे। ऐं हाणे प्रोग्राम सोच वीचार में सिलसिलो शामिलु कयूं था हिकु शाइर। अॼु असां जंहिं शाइर जी शायरी चूंडी आहे उहो शाइर कंहिं बि तारीफ़ जो मुहताज न आहे। जी हा, नामियारो शाइर राशिद मोराई। राशिद मोराई लिखे थो त हिन क़ौम जे किन किन ॻाल्हियुनि ॾे जे ॾींदो आहियां कन, पजरंदो मुंहिंजो आहे मन। चार वरिया जा अॻु सामाणी, छहनि वरियनि जे छोकर माणी, सोरहं सालनि जी हिकु सियाणी, झूर वॾेरे जी पुट, झूर वॾेरे जी पट राणी, खख कुराड़े जी कच्छ में जे जलंदो आ जो भन, पजरंदो मुंहिंजो आहे मन। जिन जी गुंदीअ में के दाणा, तिन जा चरिया भूक सियाणा, भोतारनि जा भरियल भांडा, अन्नदाता जा भींगिया भाणा, हारी जी गुंदड़ी मां जॾहिं खुटंदो आहे अन, पजरंदो मुंहिंजो आहे मन। बाबनि ॾाॾनि खे साराहे, कूड़ा ठाह ठगी जा ठाहे, पोरे खां नफ़रत हिन खे पिनण पुठियां पियो लाहे पाए, पीर शराबी नेक मुरीदनि खां वठंदो आहे ॾन, पजरंदो मुंहिंजो आहे मन। सरमाई जी सोभ सदाई, गुर्बत गहली गोभ सदाई, माण्हू माण्हू खेतो खाए, लालच लोड़ियो लोभ सदाई, सूर समाजी सहंदे सहंदे बल चढ़ंदो आ फन, पिजरंदो मुंहिंजो आहे मन। जॾहिं बि ख़र्च किताबनि जे लाइ, छोरो ॿार को पैसनि जे लाइ, सूर मथे जो बणबो आहे राशिद मामन चाचनि जे लाइ, ॾिसंदो आह पढ़णु वेंदो आहे, ॾिसंदो आह पढ़णु वेंदा आहिनि ॿिया सभु हुनजो सन, पिजरंदो मुंहिंजो आहे मन। राशिद मोराई ॿिए हंधि लिखे थो, आऊं वॾो वॾो हारी आहियां, सच खे हरदम सच चवां थो, कूड़ ते कलमो कोन पढ़ां थो, हक़दारनि लाइ हक़ घुरां थो, मक़सदु कारण जीआं मरां थो, जेको हक़ जो बाग़ी आहे वार उन लाइ कारी आहियां, आऊं वॾो वॾो हारी आहियां। लार न कंहिंजी लड़कां थो, झंडो बणिजी फड़कां थो मां, बम्बट बणिजी भड़का थो मां, कूड़ जे कंध ते कड़कां थो मां, तीली तीली छोलो छोलो माचिस जी फारी आहियां, आऊं वॾो वॾो हारी आहियां। कूड़ो मुंहुं आॾो न कुछे थो, दिलि में ॾाढो सड़े लुछे थो, मुंहुं ते कॾहिं कुझु न चवे थो, पर पुठि मुंहिंजे लाइ पुछे थो, कहिड़े बाग जी मूरी आहियां, कहिड़े वण जी टारी आहियां, आऊं वॾो वॾो हारी आहियां। सच चवां थो मच मचनि था, मूं ते कूड़ा केस थियनि था, गुंडनि जा टोला बि अचनि था, लोक ॿुधे थो बक बक कनि था, आऊं मिड़नि सां मुंहुं ॾींदो हां, कीन कंदो मां ज़ारी आहियां, आऊं वॾो वॾो हारी आहियां। मुश्किल में जो यार ॾिसनि था, ॾाढो मूंखां वऊं वञनि था, ॾुख में को बि न ॾढ ॾियनि था, मुर्गो छिजो धार थियनि था, पंहिंजा बि मूंखां त टहनि था, खिख जे ॼण का खारी आहियां, आऊं वॾो वॾो हारी आहियां। पुलिस वारो मूले आका, मूले आफिसर दारोगा, मुखा मीर वॾेरा ॾाढा पीरण जा पिट ऐं पारा था, हर को मूं ते आकड़िजे थो छो त मां पोरे त हारी आहियां, आऊं वॾो वॾो हारी आहियां। हाय ज़माना थो आकड़िजी, मूंखे हाय समाज न सम्झी, धूड़ जे ढेरे में थो वेंदी, फुलहारियुनि में फूकूं थो ॾी, उॾरी पवंदो साईं अखियुनि में, राशिद मचजी छारी आहियां, आऊं वॾो वॾो हारी आहियां, आऊं वॾो वॾो हारी आहियां। निशानियुनि ॾे तुंहिंजे निहारे निहारे, खयम साह थधड़ा गरम लुड़क हारे, खटोले ते खोले ख़तनि खे खिंडेड़े, ऐं तस्वीरूं तुंहिंजूं बि टेड़े पखेड़े, पंजे पर में तुंहिंजूं ॻाल्हियूं पचारे, खयम साह थधड़ा गरम लुड़क हारे, ख्याता ख़बर कर पिरी अॼु अचे थो, तुंहिंजे नाव ते काऊं टपकी ॾिए थो, दिलासंत दिलि खे धुतारे धुतारे, खयम साह थधड़ा गरम लुड़क हारे, जॾहिं चंड पंहिंजो थो जोबन पिसाए, तुंहिंजी यादि मूंखे अची थी सताए, उथी राति आधी पुकारे पुकारे, खयम साह थधड़ा गरम लुड़क हारे,
करे याद माजी अमन जा दिहाड़ा विछोड़े में राशिद कयम रोज राड़ा जे खुशियों खत्म थियूं उन्हनि खे संभारे खयम साह थदड़ा गरम लुड़क हारे ऐं हाणे अचो त राशिद मुराई खां संस आवाज़ में शायरी ॿुधूं। मूं ॿार पढ़ाया पोरियत थी के पोरियत दिलि रंजूरनि जा पर हारियुनि जा पुट हारी थिया मज़दूर थिया मज़दूरनि जा ऐं बुख बराबरि बुछड़ी आहे सभु काणल बुक जे खूरनि जा मूं काल ठाहियर कायल हा सभु दोखे जे दस्तूरनि जा मां छा करियां मां छा करियां मूं छा न सुजाॻीअ सॾ कया न रत खे निंड निहोड़ियो आहे से जवान रहनि था झूठनि में मूं जिन सां नातो जोड़ियो आहे जे माली हा रखवाला हा तिन बाग जो ॿेड़ो ॿोड़ियो आहे हिन नीह जवानी नास कई मूं लोड़ियो रतु विलोड़ियो आहे मां छा करियां मां छा करियां मूं वार सठा हर वार नवा मूं वेरनि सां वेढांद कई ऐं वेरनि वारे वारे सां थिए वेढ़ वॾी विणवाद कई के सूर्य साथी काल कुठा जिन रेटे रत सां रांदि कई थी पाण फिटाईअ जो ॿेली मूं सिसी नेज़े पांद कई मां छा करियां मां छा करियां हीअ क़ौम त क़ाबिल रहम जे आहे पर रहम बि कंहिंखे कोन अचे के थोरा दाणा ख़ुशि आहिनि न त पियो आहे सारो ॾेर अचे को अहिड़ो ओभर उभरे जो को ज़ालिम आमिर कोन बचे हिन आस ते वक़्तु गुज़ारियां थो त मन को हितड़े रंग रचे मां छा करियां मां छा करियां हा सच नंढो वेह गंढो वाहू परबत जेॾो कूड़ो वाहू टुटंदो थोरी टोकर सां ॼण कांह जो कोई ॼण कांच जो कोई चूड़ो आहे हर वाव अॻियां बि निमी पवंदो ॼण कांह जो कोई ॿूड़ो आहे पर थोरी हिमत केरु करे हिते हर को रूह विसूड़ो आहे मां छा करियां मां छा करियां को मुला आ को पंडित आ को सूफ़ी ऐं को जोगी आ को लंघो लालच जो लोभी को लोभीअ जो पी ठोगी आहे से भंगूं पीथा भड़ थियनि मूं जिन लाइ पीड़ा भोगी आहे मां राशिद वेठो रतु रुआ जो राज थियो अॼु रोगी आहे मां छा करियां। ही ख़ूबसूरत शायरी असांखे ॿुधाए रहियो हो नामियारो शाइर राशिद मोराई। अमी ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन में आऊं मुंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी ऐं असीं प्रोग्राम पेश कयूं पिया सोच वीचार। सिंध में नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ु मज़ाहिमत हर दौर में थींदी रही आहे कॾहिं नंढा कॾहिं वॾा एहतिजाज थींदा रहनि था। सिंध जे ॿेटनि ते कब्ज़नि ऐं धारियुनि जी आबादकारी ख़िलाफ़ु क़ौमी अवामी तहरीक पारां पिणु बेदारी मार्च कयो पियो वञे। कंधकोट मां निकितल बेदारी मार्च अॼु कराची पहुची रहियो आहे। कारकुननि खे तोड़े अॻवाननि खे जस हुजे जिन कंधकोट जी सरज़मीन खां वेंदे सिंध जे वाहन वसजनि ताईं सुजाॻी जा सॾु ॾींदे कराची जा पंध पुछाया आहिनि। मोहबत सिंध बेदारी मार्च में अयाज़ लतीफ़ पली जे चिटो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त ॿेटनि वारे मामले ते सिंध हुकूमत जी सखणी मज़मत क़बूल नाहे। हुन इहो बि चयो आहे त वफ़ाक सिंध जा ॿेट खसणु चाहे थो उहे सिंध जी मिल्कियत आहिनि कब्ज़ो करणु न ॾींदासीं। विरहाङे जूं ॻाल्हियूं कंदड़ सिंध जो खाइनि था पेट्रोल गैस ऐं कोयलो बि असांजो आहे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ॼाणायल आर्डिनंस जो नोटिस वठे ॿिए तरफ़ जे यू आई सिंध जे क़ाइद राशिद महमूद सुमरे बि चयो आहे त सिंध सां मुहबत रखंदड़ मुहबत सिंध रैली सां गॾु आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत जे सिंध दुश्मन मनसूबनि खे असां नथा मञूं। ऐं हाणे प्रोग्राम में शामिलु करियूं था अज़ीम हस्तियुनि जा कॉल। सभ खां पहिरियां असां शामिलु कंदासूं हज़रत उमर फारूक रज़ी अलाह अनहु जा कॉल। पाण फ़रमाइनि था जेको माण्हू जे माल ऐं दौलत खां नाउमेद थींदो आहे उहो सभिनी खां बेपरवाह थींदो आहे। बहितरीन वज़ू शैतान खे तव्हां खां परे भॼाए छॾींदो आहे। उन अमीर जी का बि इज़त कोन्हे जंहिं मुस्लमान माराया ऐं नई उन बदबخت जो को मक़ामु आहे। अॼु जो कमु सुभाणे ते न छॾियो। दानिशमंद माण्हू उहो आहे जो पंहिंजे अफ़ारनि खे नेक करे सघे थो। जेको तोखे तुंहिंजे ऐबनि खां वाक़ुफ़ु करे उहो तुंहिंजो दोस्त आहे। तुंहिंजी मोहबत हद खां वधीक न हुजे ऐं न तुंहिंजी नफ़रत। घणो खिलणु मौत खां गफ़लत जी निशानी आहे। नसीहत लाइ मौत ई काफ़ी आहे। अदल मज़लूम लाइ जन्नत ऐं ज़ालिम लाइ जहनम आहे। जेको बुराई खां बेख़बर आहे उहो बुराई में मुबतला हूंदो। मोमिन ख़ुदा ऐं रसूल जे मुखालफ़नि सां दोस्ती न आहिनि रखंदा। हज़रत उस्मान रज़ी अलाह ताला अनहु फ़रमाइनि था तलवार जो वार जिस्म खे ज़ख़्मी कंदो आहे
ऐं ख़राब ॻाल्हि रूह खे ज़ख़्मी कंदी आहे। अफ़सोस आहे उन माण्हू ते जेको हिसाब खे हक़ समुझे थो ऐं पोइ माल गॾु करे थो। गुनाह कंहिं न कंहिं सूरत में दिलि खे बेक़रार कंदा आहिनि। ताजुब आहे उन माण्हू ते जेको मौत खे हक़ समुझे थो पोइ बि खिले थो। सभिनी खां वधीक गुनहगार उहो आहे जेको माण्हू जे बुराइनि खे बयानु कंदो रहे थो। ख़ामोशी कावड़ जो बहितरीन इलाजु आहे। अहिड़ी ॻाल्हि हरगिज़ न करियो जो ॿुधण वारे खे समझ में न अचे। जेकॾहिं तूं गुनाह करणु चाहीं थो त अहिड़ी जॻह तलाश कर जिते रब न हुजे। जानवर पंहिंजे मालिक खे सुञाणे थो, पर केतिरा इंसान अहिड़ा आहिनि जेके पंहिंजे ख़ालिक खे कोन था सुञाणनि। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अलाह ताला अन्हा फ़रमाइनि था, जंहिं वटि अक़ल नाहे उन वटि अदब नाहे, जंहिं वटि हिमत नाहे उन वटि कामयाबी नाहे। पंहिंजी तारीफ़ वधीक करणु मौत जो बाहिस आहे। आबिद उहो ई आहे जेको अलाह ताला जी विरासत ते राज़ी रहे। तव्हांखे पंहिंजे अंदर जे इसरार खे रखणु लाज़मी आहे। उन लाइ त अलाह ताला ज़मीरनि जे राज़ खे ॼाणण वारो आहे। आऊं उन जॻह ॾे वञी रहियो आहियां जंहिं जॻह ॾे हाणे खां वठी कोई पहिरियां न आहे वियो, ऐं मां उन मखलूक खे ॾिसी रहियो आहियां जंहिंखे मां पहिरियां कॾहिं बि न आहे ॾिठो। आदल बणजणु चाहियो था त जेको शख़्स तव्हांजो दोस्त थियणु चाहे थो उनखे पंहिंजो दोस्त करियो। टे शयूं इंसान खे हलाक कनि थियूं, हसद, हिरस ऐं तकबर। हिरस सां माण्हू मुसीबत में फासी पवे थो, तकबर सां दीन ऐं ईमान वञे थो। जॾहिं शैतान तकबर जे करे मर्दूद थी वियो, चुप रहण वारो आराम सां रहे थो ऐं सलामती खे ॾिसे थो। जेकॾहिं जेको शख़्स क़दुरु ख़ैर ऐं शर्मन अलाह ते ईमान न रखे उहो काफ़िर आहे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अलाह ताला फ़रमाइनि था, शफ़ीक तरीन तुंहिंजो भाउ तुंहिंजो दीन आहे। दौलत जो बहितरीन सर्फ़ उहो आहे त उनखे इज़त ऐं आबरू सां बरक़रार रखिजे। वॾे दर्जे जो माफ़ु करण वारो उहो आहे जो बदिले वठण जी ताक़त रखंदो हुजे ऐं दरगुज़र खां कमु वठे। सरदार थियणु चाहियो था त हरकत ऐं अमल जदोजहद खे पंहिंजो मामूल बणायो। महिनत उहा आहे त तव्हां पंहिंजे वाइदे खे पूरो करियो। उहे सभु हलिया विया जंहिं सां मां मुहबत कंदो हुअसि, ऐं हाणे उहे माण्हू आहिनि जंहिंखे मां पसंदि न आहियां कंदो। दुनिया जो रंग बदिलजी वियो ऐं नेकी खां महरूम थी विया। कोई कोन्हे जो ज़ालिम खे ज़ुल्म खां रोके। वक़्तु अची वियो आहे मोमिन सचा जे रस्ते ते बेचैन थी निकिरी पवनि। ऐं हाणे प्रोग्राम सोच वीचार में तारीख़ जा वर्क वरायूं था। रेशमी रुमाल तहरीक बाबति किताबु, जंहिंजो लेखक आहे डॉक्टर अबू सलमान शाह जहानपुरी, ऐं उनजो सिंधी कार आहे मोहम्मद उस्मान अब्बासी। उन मां शामिलु करियूं था बाब पहिरें मां कुझु चूंड हिसा, जंहिंजो उनवान आहे तहरीक रेशमी रुमाल। रेशमी ख़तनि वारी तहरीक, जेका तहरीक रेशमी रुमाल जे नाले सां बि मशहूरु आहे, ऐं हाणे जंहिंखे बरे सगीर जे मशहूरु मोरख मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ तहरीक शेखुल हिंद जे नाले सां मुतारिफ़ करायो आहे, तंहिंखे ब्रिटिश इंडिया जे CID रेशमी ख़त साज़ जे नाले सां यादि कयो आहे। हीअ सभई नाला पंहिंजी जाइ ते बिल्कुलु सही आहिनि। हीअ ख़त जीअं त रेशमी कपिड़े ते लिखिया विया हुआ, उन करे रेशमी ख़त ऐं रेशमी रुमाल ॿई नाला सही आहिनि। हिन तहरीक जो बानी जीअं त बरसगीर जो मशहूरु आलम दीन सियासी रहनुमा मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी हो, जंहिंखे संस बुज़ुर्गी दीनी ऐं सियासी ख़िदमतनि जे करे शेखुल हिंद जे लक़ब सां यादि कयो वियो आहे। उन करे हिन तहरीक खे तहरीक शेखुल हिंद चवणु कते ग़लति कोन्हे। पर अंग्रेज़नि मौलाना उबैदुल्ला सिंधी मरहूम खे रेशमी ख़त साज़िश या तहरीक जो बानी क़रार ॾिनो आहे। मूं वटि हीअ ॻाल्हि बि हक़ीक़त खां परे न आहे त तहरीक शेखुल हिंद हिकु घण तरफ़ी तहरीक हुई। उनजो तालुक़ु दारुल उलूम देवबंद जे क़ाइमु थियणु ऐं हज़रत सैयद अहमद शहीद ऐं शाह इस्माइल शहीद जी जहादी तहरीक ऐं आज़ादी जे कोशन सां वञी मिले थो, ऐं बाद में जमैत उलमा हिंद जी कोशिश बि उन सिलसिले जी कड़ी हुई। मौलाना सिंधी जो अफ़गानिस्तान वञण ऐं पाण हज़रत शेखुल हिंद जो हजाज़ जे लाइ सफ़र जो साबाहु करणु हिकु जाम मनसूबे तहत हो, पर काबिल पहुची करे आरज़ी हुकूमत में शरीक थियण ऐं
जनूद रब्बानिया कायम करण वो सब कुछ मारूजी हालतन मुताबिक जरूरी हो। उन्होंने कदमन जो फैसलो जी त मौलाना सिंधी पर दूरंदेशी तहत कयो हो उन लाए हजरत शेखुल हिंद जी का भी अगवाट हिदायत मौजूद न हुई। न मौलाना सिंधी हुकूमत मौकता में शिरकत जनूद रब्बानिया की कोशिश का अग हजरत शेखुल हिंद का इजाजत वठण की जरूरत महसूस कई हुई। हि बई गाल हजरत शेखुल हिंद की तहरीक के मकसद के आयन मुताबिक हुई। उन्होंने घण मकसद की तहरीक जो एक जुजो करार दई सकजे तो। हि निंडे खंड की आज़ादी जो एक इनकलाबी मनसूबो हो। उन करे निंडे खंड की आज़ादी की तारीख लिखण वारन इन मनसूबे के तहरीक के नाले से याद किया है जडे त अंग्रेजन जो नुक्ते नजर उनके खिलाफ हो। जे तो उन मनसूबे जो मकसद अंग्रेज हुकूमत जो तख्त ऊंधो करण गैर मुल्की इक्तदार के बजाय कौमी मुल्की हुकूमत कायम करण हो। उन करे अंग्रेजन उनके साजिश जो नालो दिनो है। आम तौर ही समझाया वे तो टई रेशमी खत मौलाना उबैदुल्ला सिंधी लिखा हुआ। ही गलत फहमी रेशमी खत साजिश केस के बयान में भी मौजूद है। वह गलत फहमी उन करे थी है जो बे नंबर खत ते कहीं भी सही न हुई। पेरे टे खत ते मौलाना सिंधी की सही होने के करे बो खत भी उनो ही समझो वो। हकीकत ही है तो बो खत मौलाना मोहम्मद मियाँ जो है। शुरुआत का आखिर ताई खत जो एक एक जुमलो उन हकीकत जो सबूत दई रो है। मौलाना मोहम्मद मियाँ जैसे हजाज का गालिब नामा बो लिखतू खी कर हिंदुस्तान अची रो हो त हजरत शेखुल हिंद उन जिदे में अलविदा चयो हो। उन करे खत लिखंदड़ जिदे का पोज वाक्य से खत की शुरुआत कई है। पैरियां बई जुमला ही आहन जिदे का पोए जो हाल ही है बंबई आराम से खतरे का सिवाय पोतस। उन खत लिखंदड़ रांदीर भोपाल के सफर मौलाना हसरत मोहानी मौलाना आजाद से पे मुलाकात जो जिक्र पिण किया है। मौलाना नाजम यानी मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो जिक्र वाहिद गायब के सेगे में किया वो है। उनमें चिट्टो मालूम थे तो उन खत के लिखण वो मौलाना सिंधी न पर बो को है। तहरीक रेशमी रुमाल एक इनकलाबी तहरीक हुई। उनको ताल्लुक मुल्क बाहर मुल्क के मुख्तलिफ़ इनकलाबी कुतन शख्सियत से हो। उन्होंने में खतों किताबत जो सिलसिलो भी जारी हो। हजरत शेखुल हिंद हजाज में गालिब नामा बया खत हिंदुस्तान मोकलिया। मौलाना सिंधी काबिल का हिंदुस्तान खत रवाना कया। हि सजी लिख पढ़ वे एहतियात से खुफिया तौर से थी। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी इन सजी लिखपढ़ के लिए रेशमी खतन की तरकीबी इस्तेमाल कई है। डॉक्टर शेर बहादुर खान मरहूम के बयान में भी यो ही जाहिर थे तो सजी लिखपढ़ जर्द रंग के रुमाल जरिए थी हुई। थी सके तो कागज़ की बजाय कपड़ो रुमाल ही इस्तेमाल थो हो। पर अंग्रेज सी आई डी उन जमाने की सजी लिखपढ़ के रेशमी खत जो नालो न दिनो है। हि फ़त टे खत जे तहरीक के जाहिर थियण जो सबब बणिया जैसे बुनियाद से साज जो केस कायम किया वो। सी आई डी के कागजन में उन्हीं रेशमी खतन जो नालो दिनो वो है। उन सिलसिले जो टों आखिरी खत हजरत शेखुल हिंद के नाले मौलाना सिंधी के तरफा है। उन सही भी है। हि खत 15 इंच डिघो 10 इंच वेकरो है। खत के लिख के बारे में मौलाना अब्दुल्ला लिगारी मरहूम जो बयान है तो हि खत मख्फी तरीके से रेशमी रुमाल से लिखा वह हुआ। उनके बयान में मुख्फी तरीके की का भी वजाहत ना है। काजी मोहम्मद अकबर लिखो है तो हि खत बसर के पानी से लिखा वह हुआ। डॉक्टर शेर बहादुर खान लिखे तो हि फिके रंग जहा रुमाल हुआ जिनते अड़ी मस से खत लिखो वो जहाँ दिसण में नहीं दी हुई। उनके लिखण पढ़ने जो तरीको ईजाद कदड़न का सिवाय कंखे भी मालूम न हो। पर रेशमी खत साजिश केस के मुताले में खबर पवे थी त लिखत के लिए उन किस्म जो को भी गुझो तरीको इख्तियार न किया वो हो। पर लिखत साफ उर्दू में लिखी वही हुई। उन केस के पेरे नोट में सी आई डी की हि वजाहत असें मिले थी। 14 अगस्त से मुल्तान के खान बहादुर रब नवाज खान मुल्तान के कमिश्नर के जर्द रेशमी कपड़े जहा टे टुकड़ा डेखारा जैसे साफ उर्दू लिखल हुई। हि अस अवान लाए तारीख के वर्कन में चूंड लिखणी पेश कर रहा हुआसी। अमी बुधी रहा हो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन प्रोग्राम पेश पो वे सोच वीचार। हाँ प्रोग्राम सोच वीचार में शामिल करूँ था उहे लिखणियों जेके असांजे वडी मेहनत से असांजे बुधन लिखी मोकलियूं।
बाखोड़े मोरी खां वकार अहमद लिखे थो विशाल जो खूबसूरत सीटू जुड़ाला जुड़ाला हयाती असांजी बई नेण आला हयाती असांजी न महफिल न साकी नकी जाम आहे प्यासा प्याला हयाती असांजी सफ़र जिंदगी जो अड़ांघे जबल तां पिथू पेर छाला हयाती असांजी अंधेरन में बि ज़ाहिर थिए थी सितारनि जी माला हयाती असांजी मिलण रीह मंज़िल हटे कीन पुठिते कंदी पे खुशाला हयाती असांजी अमर जलील जो खूबसूरत नसरी टुकड़ो असां ॾियारे मोकिलियो कंवल मेघवाड़ असीं गैर सियासी क़िस्म जा बेवकूफ़ माण्हू आहियूं कूड़ फरेब ऐं दोखे जी दुनिया में इश्क जा अलम खणी घुमंदा आहियूं ऐं सूरी जो सिंगार थी वेंदा आहियूं मोहम्मद अली जरवार असांजे मोकिलियो संसी खूबसूरत ग़ज़ल अखियुनि ई अखियुनि में इशारो खपे असांखे बि थोरो सहारो खपे निहारे निहारे थकी हिन पियूं निगाहनि खे हाणे निज़ारो खपे चरी दिलि चवे थी उॾामी अचां चरी दिलि चवे थी उॾामी अचां मती मोच खे बि किनारो खपे बज़ाहिर वफ़ादार किरदार ते सचाए जो टांकियल सितारो खपे सखी जी गली में रहण ॾियो रुगी चऊं कोन था को शहर सारो खपे दुनिया खे त जन्नत बणाइण घुरो त माण्हू बि अहसास वारो खपे वाहिद सोज़ मलाह असांजे मोकिलियो संस ख़ूबसूरत ग़ज़ल रही ज़िंदगी जी अधूरी कहाणी तॾहिं इश्क जी थी न पूरी कहाणी किसो कुर्ब वारो ॿुधी छा कंदे तूं ॾुखनि सां भरियल आहे समूरी कहाणी वठी दिलि ॾेई दर्द सोहण सतायो अखियुनि आब में आहे ज़हूरी कहाणी ज़माने ख़िलाज़त पखेड़ी दिलनि में मगर पोइ बि पंहिंजी खथूरी कहाणी हिते जंहिं बि माण्हू मुहबत कई आहे ठहे तंहिं मथां थी त फोरी कहाणी अव्हां जे कुआरे बदन जीअं चाना रहे सोज़ पंहिंजी नकोरी कहाणी सांगड़ भरिसां आबाद ॻोठ हाजी अब्दुल करीम लेगारी मां मिसकिन मीरल लेगारी पंहिंजो ई ग़ज़ल मोकिलियो असांखां नीह जो नातो जे टोड़ींदे त छा वरंदई वरी कंहिं ॿिए सां ई नातो जे जोड़ींदे त छा वरंदई सदियुनि खां साथ हो पंहिंजो ख़बर हूंदी अगरि अॼु मुंहुं मिठा मुखां तूं मोड़ींदे त छा वरंदी असांजे दिलि सड़ियल आहे सुकल कंहिं वण जीअं जानिब बदन जो चम आहे बाक़ी जे रोड़ींदे त छा वरंदई हयाती आहे तुंहिंजे हथ में मिठा मिसकिन मीरल जी हयाती आहे तुंहिंजे हथ में मिठा मिसकिन मीरल जी सुकल कंहिं गुल जीअं सम्झी मरोड़ींदे त छा वरंदई असांखां नीह जो नाथो जे टोड़ींदे त छा वरंदई शहज़ाद अली शेख जो ख़ूबसूरत ग़ज़ल आहे इहो ग़ज़ल असां चूंड करे मोकिलियो संगतराश सहरायूं शाम जो आहे पहर सिज लहण ते अथई राति रह हमसफ़र सिज लहण ते अथई राति जो खोड़ रज़न फिरनि था हिते थी न पैको कहर सिज लहण ते अथई केरु ईंदो न आ वक़्त ते कमु कॾहिं साण कोन ई समर सिज लहण ते अथई होॾे ॾिस रोशन आहे चिताए त कुझु ॼण चवे पियो शहर सिज लहण ते अथई राह आ रेत जी छा थिए छा ख़बर आहे मुश्किल सफ़र सिज लहण ते अथई थी न अबहरो तूं होश रख सोच रख छॾ वञण जी पचर सिज लहण ते अथई अज़हर मुस्तफ़ा असांजे उमाणियो परसराम ज़िया जो ख़ूबसूरत ग़ज़ल जे अटकनि कीन हा अखड़ियूं त पैदा प्यार छो थिए हा रहनि ख़ामोश हा नज़रूं त ही आज़ार छो थिए हा थिए जे चाड़ साज़ी हा त को लाचार छो थिए हा हुजे इंसाफ़ हा तूं वटि त को बीमार छो थिए हा अजब आयम अखिन ते रोण जिन खां वियो विसरी ॿटे जे लुड़क गाड़ियुनि हा त दिलि ते ॿार छो थिए हा हुजे हा माहरू भर में हुजे हा ख़ूबरू वेझो त दिलि ई चांदनी रातियुनि मंझां बेज़ार छो थिए हा जे मुंहिंजी बेज़ुबानी मां प्रोड़ी राज़ दिलि जो हा त मूं सां कुझु चवण जे लाइ मूंखे वीचार छो थिए हा ख़ुशी सां शौक़ सां मूं चश्म कातिल खे थे ललकारियो नज़र जो तीर नत मुंहिंजे जिगर मां पार छो थिए हा कयम ला इंतिहा उल्फत त उल्फत थी पई कुल्फत न जे गहरो थियां हा मां त हू बेज़ार छो थिए हा न मौत आयो न यार आयो न दम निकितो न की अरमा उमेदूं जे जागन हा मरण दुश्वार छो थिए हा अबस मुंहिंजी शिकायत आहे जो सम्झां थो परे कंहिंखे तस्वर साथ ॾे हसिया त हू धार छो थिए हा
केरु वसाजा सूरस जेड़े केरु वसाजा सूरस जेड़े दिल थक जी पई नेड़े नेड़े केरु वसाजा सूरस जेड़े केरु वसाजा सूरस जेड़े दिल थक जी पई नेड़े बभर में भड़कू था प्या मानुन लेखे मुरकू था प्या बाहे बभर में भड़कू था प्या बाहे बभर में भड़कू था प्या आए दिसे को याँ उडेड़े से मो याँ उडेड़े दिल थक जी पई मेड़े मेड़े केरु वसाजा
महबूबाणी महफिल मेलो हाण मिलियो थी वारो वेलो महबूबाणी महफिल मेलो हाण मिलियो थी वारो वेलो हाण मिलियो थी वारो वेलो सूह बिसाम नीह बिनेड़े सूह बिसाम नीह बिनेड़े दिल धक जी पई नेड़े मेड़े केरु वसाजा सूरस नेड़े केरु वसाजा सूरस नेड़े दिल धक जी पई नेड़े नेड़े केरु वसाजा इन्हीं ते अजो के प्रोग्राम जा समूरा रंग हवाओं में बिखरी चुका पंज मेज़बान हबीब लगारी के दींदा इजाज़त इन्हीं सागी दुआ सा वसे भिट तुझे भलारा सदा सदा देश परदेश सारा वसन कदें सींद सिंध जी न मेरी थे कदें मोड़ तुझा न मुरझाए जन दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तसादियात तारीख कौमी उमंगुन ए अखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती सा प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफिन उस्तादन वकीलन ऐं हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सॾु ॾियूं था अचो त गॾिजी सूफ़िन ऐं संतन वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए सिंधी मानू सुखियो ऐं सतावो थिए